मनुष्य अपने जीवन में कई सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनादर करता है। सोचता है इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, ये किसी उपयोग का है ही नहीं। अब सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पांव में एक कांटा चुभ रहा है। तब आप जो कुछ भी कर लो, तलवार से उस कांटे को नहीं निकाल पाओ। उसके लिए आवश्यकता होगी तो एक सुई। इसलिए संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका अपना मूल्य है। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा दे सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आए। संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मनुष्य अपने जीवन में कई सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनादर करता है। सोचता है इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, ये किसी उपयोग का है ही नहीं। अब सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पांव में एक कांटा चुभ रहा है। तब आप जो कुछ भी कर लो, तलवार से उस कांटे को नहीं निकाल पाओ। उसके लिए आवश्यकता होगी तो एक सुई। इसलिए संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका अपना मूल्य है। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा दे सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आए। संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।